हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमलता भूषण, मेरे मामा का स्वागत है। आज हम कुरकुरी भिंडी बनाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं हम आपके लिए और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आइए हम इसके लिए सामग्री देख लेते हैं। मैंने भिंडी ली है आधा किलो। मैं 2 चम्मच बेसन लिया है, बड़ी चम्मच मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, 2 चम्मच चावल का आटा है, 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर ली है, नमक स्वाद के अनुसार, रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर है। सबसे पहले हम भिंडी काट लेंगे। मैंने चॉपिंग बोर्ड ली है तो देखिए बहुत ही मुलायम और बहुत अच्छी भिंडी है। मैंने भिंडी को धो के बहुत अच्छे से सूखा लिया, पानी इसका पोंछ के इसे पीछे की और इसकी हम इस तरीके से काट देंगे डंडी। हमें भिंडी इस तरीके से काटना है। जब भी बनाएं फ्रेंड्स इस तरीके की सब्ज़ी तो भिंडी को अच्छे से धो के सुखा लें पानी और तभी बनाएं। देखिए इसमें बीज है, अगर मोटा बीज हो तो इसे निकाल दें इस तरीके से, हाथ से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और इसी तरीके से हम काटेंगे भिंडी को, छोटे छोटे स्टिक काट लेने हैं इस तरीके से। एक भिंडी में 2 या 3 हो जाते हैं स्टिक, तो हम इस तरीके से काट लेंगे। अगर भिंडी के बीज बहुत मुलायम हो तो बीज ना निकालें। देखिए भिंडी के बीज बहुत मुलायम है तो उसको हम नहीं निकालेंगे। बहुत कड़ी बीज हो उसे निकाल देना चाहिए, खाने में बहुत ही ख़राब लगता है कड़ी बीज। और इसी तरीके से हम सभी भिंडी को पहले काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड मैंने सभी भिंडी को काट लिया है। देखिए कटने के बाद कितना ढेर सारा हो गया, कितना ज़्यादा सा हो गया भिंडी। और इस तरीके से मैंने काट लिया है सभी भिंडी को और अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम मसाले तैयार कर लेते हैं भिंडी में बैठ के। बड़ी मैंने प्लेट ली है, उसको पलट लेंगे इस तरीके से, उसको हम फैला देंगे। सारे मसाले डालेंगे। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे मसाले। 1/2 चम्मच गरम मसाला, आमचूर पाउडर डालेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, आप आमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम स्प्रिंकल कर लेंगे, चारों तरफ से फैला देंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है स्वाद के अनुसार। अब हम बेसन डालेंगे, इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे। आप चाहें तो मसाले को सब एक साथ मिला के मिक्स करके उसके बाद भी डाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट डाला है इस तरीके से। बेसन से थोड़ी कोटिंग बहुत अच्छी होती है इसलिए मैंने बेसन डाली है। और अब हम चावल का आटा डालेंगे। मैंने हाथ से स्प्रिंकल किया इस तरीके से, हाथ से फैलाने में बहुत अच्छे से फैल जाता है। देखिए आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या फिर ना पसंद हो ना डालें, क्योंकि हमने चावल का आटा और बेसन डाला है। और थोड़ा सा डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले हाथ से इस तरीके से, सभी भिंडी मिला लेंगे। मैंने बिना झंझट के बनाए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं, कोई ताम झाम नहीं है इसमें, बहुत ही आसानी से बन जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है भिंडी। इस तरीके से बनाएं कुरकुरी, बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी बनती है। देखिए सभी मसालों को इस तरीके से मिक्स करना है हाथ से, थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे। तब तक हम कढ़ाई में तेल गर्म कर लेते हैं। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है और गर्म होने के लिए तेल रख दिया है। थोड़ा सा तेल गर्म होने देंगे 2 मिनट के लिए पहले। तो देखिए फ्रेंड तेल गर्म हो गया है, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। भिंडी हमने खोल के देख लिया, ढक के रखा था मैंने भिंडी, तो देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है, सारे मसाले मिल गए हैं, अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल देखिए अच्छे से मिल गए हैं। चलिए हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। पहले हम चेक कर लेंगे छोटी सी भिंडी डाल के, तो देखिए बहुत ही अच्छा तेल गर्म हो गया है। थोड़ा थोड़ा हम भिंडी डालेंगे इस तरीके से, तेल बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए फ्रेंड, तभी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। चलाते जाएंगे ऐसे, वो चला चला के इस तरीके से पलटते रहना है भिंडी को, बिल्कुल तो बराबर होना चाहिए भिंडी। देखिए फ्रेंड भिंडी हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे बिल्कुल इस तरीके से किनारे करते हुए, इसका तेल निकाल के उसके बाद हम निकालेंगे। देखिए इस तरीके करने से तेल निकल जाता है, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए भिंडी को निकाल लेते हैं, देखिए भिंडी हो गई है, इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं हम। इसी तरीके से सभी बना लेंगे भिंडी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी भिंडी को बना लिए हैं,
अब इसको हम निकाल लेते हैं, सर्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सर्व कर लिया है भिंडी। बहुत ही अच्छी भिंडी बनी है, देख सकते हैं आप, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनी है भिंडी। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत अच्छा लगता है खाने में फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही क्रंची बनी है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए फ्रेंड्स भिंडी, और छोटे बच्चों को अगर लंच वंच में देंगे, बच्चों को बहुत पसंद आता है भिंडी, तो बहुत अच्छे से खाते हैं बच्चे, तो बिल्कुल चट करके आएंगे टिफिन। तो आप इसी तरीके से बनाइए फ्रेंड्स भिंडी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिया है भिंडी, बहुत ही अच्छी बनी है, कुरकुरी क्रिस्पी भिंडी बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और बस में कमेंट करें। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।